पीएम मोदी ने की मन की बात, देशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। कहा कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी। गाजीपुर हिंसा में अब तक 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 9 की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो वहीं सीएम योगी ने मारे गए सुरेश वत्स के परिवार के प्रति जताई संवेदना। अलवर के किशनगढ़ पास में गो तस्करी का मामला, लोगों ने युवक की जमकर की पिटाई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। मेलबर्न टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया, बुमराह को मैन ऑफ द मैच का खिताब। देश भर में सर्दी का सितम जारी, फतेहपुर सहित कई इलाकों में शीतलहर का दौर जारी। पारा पहुंचा -1 डिग्री में, तो वहीं फसलों को पहुंचा नुकसान।